शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को आरोप लगाया कि अधिकारी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली की अनुमति के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दशकों से शिवसेना मुंबई के दादर इलाके स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करती रही है। ये रैली दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के उग्र भाषणों का पर्याय होती थी। यहाँ हवाई अड्डे पर ठाकरे से मीडिया ने शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा रैली की अनुमति मांगे जाने के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, शिवसेना मुंबई में वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति मांग रही है, लेकिन अधिकारी हमारा आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह दमनकारी सरकार है। जब यह पूछा गया कि क्या शिंदे गुट दशहरा रैली को हाईजेक करने की कोशिश कर रहा है, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोग जान चुके हैं कि बागियों के पीछे कौन है और वे उन्हें पसंद नहीं करते।